बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे यार सर वेब स्क्रैपिंग सिखाएं, वेब स्क्रैपिंग सिखाएं, वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग। सो दोस्तों वेब स्क्रैपिंग हमने देख लिया कितनी इजी चीज है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 2 मिनट में वेब स्क्रैपिंग सीखेंगे, बल्कि उससे भी कम। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है दोस्तों? हम डेटा को उठा के अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, और ये हम डेटा साइंस के लिए सीखेंगे कि वो डेटा को हम किस तरीके से भले अपनी वेबसाइट में भी यूज कर सकते हैं जो कि टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है, अपने एल्गोरिथम्स में यूज कर सकते हैं भले वो मशीन लर्निंग के हो या डीप लर्निंग के हो। तो सिर्फ और सिर्फ कोई पांडास की प्योर लाइब्रेरी से सीखेंगे, नथिंग एल्स। कोई मॉड्यूल नहीं होगा, कोई रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल सोप की यूजेज नहीं लेंगे। ये सारा काम पांडा सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन में कर सकता है। कैसे? आइए पीछे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके सेलेक्ट ऑल जरूर करना है, सो यू गेट द नोटिफिकेशन टाइमली। आइए दोस्तों, मैंने खोला गूगल, यहाँ मैंने लिखा फेल्ड फाइनेंशियल बैंक्स के कोई डाटा आए हमें। ये पहली वेबसाइट को मैंने खोला, ठीक है। ये देखें, ये डाटा आ रहा है, ये वेबसाइट है या जो फेल्ड फाइनेंशियल बैंक्स हैं, ठीक हो गया। 47 पेजेस का ये डाटा है और डाटा कुछ ये रहा, ठीक हो गया। मैंने यहाँ से लिंक को कॉपी किया। अब मैं आया जुपिटर नोटबुक की फाइल पे, यहाँ आके मैं लिखूंगा इम्पोर्ट पांडास SPD और एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाएंगे। वेब स्क्रैपिंग वेरिएबल लिया मैंने, ये आप कोई भी ले सकते हैं, pd.read_html और ब्रैकेट्स में मैंने ये वाला लिंक पूरा पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। आइए अब इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। दोस्तों डिस्प्ले वेब स्क्रैपिंग करवाया, यू कैन सी ये आ गया है। ये देखें, ये एरे नोटेशंस में आया है, ये लिस्ट के अंदर आया है। तो एक और इसकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जो इसका जीरो इंडेक्स होता है डाटा फ्रेम उस पे होता है, वरना डाटा फ्रेम नहीं है ये लिस्ट है। अगर हम इसको जीरो करके मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूं तो देखें ये कैसे होगा, कितना प्यारा साफ सुथरा आया है। 6 कॉलम्स है, 7वां हमारा इंडेक्स का है, ठीक है, और सारी चीजें प्रॉपर मौजूद है। ये देख सकते हैं 562 लाइंस का ये डाटा है और दैट इज इट, और इसमें कुछ भी नहीं है। आइए अब मैं इसको एक और वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ। वेब स्क्रैपिंग ऊपर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया जीरो करके, तो अब ये पूरा डाटा फ्रेम वेब के अंदर सेव हो गया है, ठीक है। वेब के अंदर भी देखें यही आ रहा है, और देख लें यार यही है। देखें पहला नाम यहाँ भी अलमीना स्टेट बैंक है, और मैं यहाँ पर भी आगे दिखा दूं अलमीना स्टेट बैंक है। लास्ट में जाते हैं 47 पे पेज पे बैंक ऑफ होनोलुलु है, और यहाँ भी देखें बैंक ऑफ होनोलुलु है। तो मतलब दोस्तों डाटा तो यही आया है। आइए मैं इसको हेड 25 किया मैंने कि शुरू की 25 लाइंस आ जाएं, तो देखें ये कितने मोहब्बत से आ गया है। आइए कहीं इसमें हम चेंज करते हैं कुछ वैल्यू, ठीक है। अब बस ये वेब स्क्रैपिंग कंप्लीट हो गई है। कुछ मैं उसमें आपको पांडास के फंक्शंस लगा के दिखा रहा हूँ, किस तरह आप कर सकते हैं इसको सेव, किस तरीके से कर सकते हैं CSV या एक्सेल के अंदर। आइए देखते हैं, तो आईलॉग के मेथड से करवाएंगे। तो मैं नंबर 1 पे जो FL है इसके अंदर कर रहा हूँ, देखें 1 ये रो है और 3 इंडेक्स है, 0, 1, 2 स्टेट के अंदर जो हम या FL लिखा हुआ है। यहां पे लिख दें आप हेलो फ्यूचर स्कोप, ओके लेट्स सी। दोस्तों ये देखें हेलो फ्यूचर स्कोप आ गया, कितना इजी है दोस्तों। आइए टेल की मदद से देखते हैं कि लास्ट टेल क्या करता है, लास्ट 5 वैल्यूज ले आता है, और अगर हम मैं यहाँ नंबर लिख दूं 20 तो ये लास्ट 20 लाइंस को लेकर आ जाएगा। यू कैन चेक इट आउट, ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे सेव लॉक मेथड से आपको सेव करके दिखाता हूँ 546 जो हमारा रो है उसको, और सर यहाँ पे मुझे अब इसका कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा हेलो फ्यूचर स्कोप फैमिली। यहाँ मैंने एंटर मारा, नाउ मैं इसको टेल करवा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों ये 546 पे हेलो फ्यूचर स्कोप फैमिली आ चुका है। दिस इज सो ऑसम यार, कितना इजी है दोस्तों, ठीक हो गया। आइए अब इसको सेव करवा के देखते हैं, इसके सेव कैसे करवा सकता हूँ मैं। web.2_csv, webdata.csv, excel में भी करवा देते हैं 2_excel, web.xlsx quotation marks में लिखना है। आइए मैं दिखाता हूं आपको यहां पे, ये देखें दोस्तों ये csv और excel की फाइल सेव हो गई है। csv को यहीं से खोल के दिखाता हूं, ये देखें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही हैं आपकी। आइए अब excel को खोलते हैं, सी ड्राइव में किया, यूजर डेल, और ये आ गया एक्सेल की फाइल। इसकी प्रॉपर मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये आपका डाटा तैयार है, ये आखिर तक आया, यू कैन सी ये हेलो फ्यूचर स्कोप ये भी लिखा हुआ आ रहा और ऊपर भी है ये लिखा हुआ, और मैंने सेलेक्ट करके इसको यहाँ से बाउंड्रीज दे दी, इसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे एक्सेल के कोई भी काम करके फिल्टर लगा के कर सकते हैं, पांडास में भी कर सकते हैं। इन सारे डाटा को आप मशीन लर्निंग में लेके जा सकते हैं, डीप लर्निंग में लेके जा सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में ये था। तो देखा कितनी आसान है दोस्तों वेब स्क्रैपिंग। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे यार सर वेब स्क्रैपिंग सिखाएं, वेब स्क्रैपिंग सिखाएं, वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग।
सो दोस्तों वेब स्क्रैपिंग हमने देख लिया कितनी इजी चीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, नीचे प्यार से कमेंट करके लाइक कीजिए, और प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरीके से हो सकती है पांडास की वो भी नीचे गिवन है, प्रॉपर प्लेलिस्ट पांडास की गिवन है। मैं इस चैनल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत यूजफुल कोर्सेज किस तरीके से कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। सो सी यू इन अनदर वीडियो। आप सब अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।